हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेंगेन जोन के स्टडी वीज़ा की। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं जनवरी या फरवरी 2022 में अपनी स्टडी शेंगेन जोन में शुरू करने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो शायद शेंगेन जोन की सबसे अफोर्डेबल कंट्री है। यहाँ पे जो स्टडी ऑप्शंस हैं वो शुरू होते हैं 3 लाख रुपए पर एनम से कम के रेट पर, और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉर्थ यूरोप के एक देश जो बाल्टिक रीजन में आता है, लैटविया की। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लैटविया एज अ कंट्री के बारे में, हम बात करेंगे लैटविया में स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, हम बात करेंगे जनरल फीस कितनी है, लिविंग एक्सपेंसेस क्या हैं, वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और क्या स्टेप्स हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे YouTube चैनल का पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बाल्टिक रीजन के एक देश लैटविया की। लैटविया यूरोपियन यूनियन में भी आता है और शेंगेन जोन में भी आता है। इनफैक्ट मैं सन 2019 में खुद लैटविया की राजधानी रीगा जा चुका हूँ। तो लैटविया में कुछ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसे रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा रीगा स्ट्रैडनिस यूनिवर्सिटी है जहाँ का मेडिकल स्कूल बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे इनटेक चल रहा है जनवरी फरवरी के लिए, जो डेडलाइन है वो है दिसंबर 1। लेकिन क्या है, ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे जल्दी शुरू कर सकते हैं, और अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए हमसे तो वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। अब जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में MBA प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बायोटेक्नोलॉजी में प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो आप बेसिकली जो आपका प्रोफाइल है उसके हिसाब से हम आपको कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं। अब जो लैटविया है ये बहुत ही छोटा कंट्री है और यहाँ की आबादी 20 लाख है। करेंसी लैटविया की यूरो है, कैपिटल रीगा है, और जो लैटविया है वो एक टाइम पे USSR का हिस्सा रह चुका है। अब इनफैक्ट लैटविया जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कंट्री माना जाता है। मैंने एक पुराना वीडियो किया था, उसे मैंने डिटेल में लैटविया के बारे में बताया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर रहा हूँ जो लैटविया का मेरा डिटेल वीडियो है। तो देखिए, इसमें स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे कि आपके लिए कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड, आपका क्या करियर गोल है उसके बेसिस पे। उसके बाद आप एक बार कोर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप अप्लाई करेंगे उस यूनिवर्सिटी में। अब बेसिकली क्या है, IELTS रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आपके पास IELTS नहीं है तो अगर आप ये एक डॉक्यूमेंट लगाएं कि आपकी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई तो वो भी चलेगा, लेकिन आपका स्काइप या वीडियो इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी के साथ, तो अंग्रेज़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इनफैक्ट एक और चीज़ आप ध्यान रखें कि लैटविया में एम्बेसी में इंटरव्यू भी होता है हर एक का, तो अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो जहाँ तक फ़ीस की हम बात करते हैं, फ़ीस 3 लाख रुपये से शुरू होती है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चुन रहे हैं। आमतौर पे जो फीस है वो 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में है, कई कोर्सेज की इनफैक्ट 2.5 लाख भी है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स चुन रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर यूनिवर्सिटी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके लिए, उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 150 से 200 यूरो के बीच में है, और 150 से 200 यूरो यानी आप लगा लीजिए करीब 13,000 रुपये से लेके 17,000-18,000 रुपये तक की एप्लीकेशन फ़ीस होती है। एक बार आपने अप्लाई कर दिया तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स की जांच होती है, उसको एक डिपार्टमेंट को भेजा जाता है जो उसकी इक्विवेलेंसी को चेक करता है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है, स्काइप इंटरव्यू होता है, कई बार वो एक ऐप होता है जिस पर आपका इंटरव्यू होता है, कई बार किसी इंडिविजुअल के साथ होगा वो इंटरव्यू। और एक बार आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच पूरी हो जाती है, तो आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर आ जाएगा। अब इस पूरे प्रोसेस में आप लगा लीजिए कि 5-6 हफ्ते का समय लग सकता है। एक बार आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर आ जाता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टिल करवाना है,
अपोस्टल विदेश मंत्रालय से होता है, वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। आपको अपना पुलिस क्लियरेंस रिपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनाना है जो पासपोर्ट ऑफिस से बन जाता है, उसमें भी करीब 15 दिन का समय लगता है, 500 रुपये फीस होती है। तो एक बार आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके पास ऑफर लेटर आ गया लैटविया से, आपके पास स्पॉन्सर है, अब अगर हम बात करते हैं फंड्स कितने चाहिए। देखिए, फंड्स आपके अपने अकाउंट में हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके अपने अकाउंट में है तो मैं रिकमेंड करूँगा 5-5.5 लाख। अगर स्पॉन्सर के अकाउंट में है, स्पॉन्सर मेनली क्लोज रिलेटिव ही हो सकता है, फादर मदर, तो तकरीबन 10 लाख रुपये होने चाहिए ट्यूशन फी के अलावा जो आपने पे कर दी है। तो ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है लैटविया में स्टडी वीज़ा की। और एक और जो स्टेज होती है जो और जगहों पर नहीं है, वो है हेलो वेरीफाई। आप एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई कर पाए इससे पहले हेलो वेरीफाई आपको करवाने पड़ते हैं, उसके अलग से चार्जेस होते हैं, करीब 13,000 रुपये है। और डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए, इंटरव्यू आपका हर हालत में होगा एम्बेसी ऑफिशियल के साथ, इंटरव्यू VFS में होता है वीडियो कॉल के थ्रू। तो मतलब प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन प्रिपरेशन इज इम्पॉर्टेंट। और अफोर्डेबल कंट्री है लैटविया, आप एज ए स्टूडेंट 20 घंटे काम कर सकते हैं, बहुत सारी IT कंपनीज हैं, और आपको क्लीनिंग में जॉब मिल सकता है, कुछ और मतलब मैनुअल जॉब्स मिल सकते हैं, तो आप खुद को सपोर्ट भी कर सकते हैं। आम तौर पे अगर मैं कहूँ आप 300-400 यूरो पर मंथ में आपका लिविंग एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं, और आप छुट्टियों के दौरान फुल टाइम काम कर सकते हैं। सिंस लैटविया यूरोपियन यूनियन में आता है तो आप इरास्मस एक्सचेंज के लिए भी एलिजिबल है, यानी आप 1 या 2 सेमेस्टर जर्मनी में, फ्रांस में भी बिता सकते हैं। दूसरा, आपको जो लैटविया का रेजिडेंस परमिट मिलता है उसके बेसिस पे आप यूरोप में शेंगेन जोन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। ये सारे बड़े एडवांटेजेस हैं लैटविया में पढ़ने के। तो अगर आपकी कोई और सवाल है लैटविया के बारे में या लैटविया में स्टडी के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक भी दे रहा हूँ लैटविया के डिटेल्ड वीडियो पे। तो आप स्क्रीन पे नंबर पे मैसेज भेजिए और अपने सवाल पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।